अलजेब्रिक फंक्शंस के लिस्ट में हम लोग अब तक तीन तरह का फंक्शन सीख चुके हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और मॉड। कुछ और फंक्शंस बचा हुआ है छोटा छोटा, उसमें एक अभी सीखने जा रहे हैं, द रेसिप्रोकल फंक्शन। कोई भी दो रियल नंबर ए और बी का प्रोडक्ट अगर इक्वल टू वन हो तो ऐसे दो नंबर को हम बोलते हैं एक दूसरे का रेसिप्रोकल। फॉर एग्जाम्पल, 5 और 1/5 को एक दूसरे का रेसिप्रोकल बोलते हैं। क्यों? हम साबित करने जा रहे हैं कि 5 × 1/5 का वैल्यू 1 होता है। 5 × 1/5 का वैल्यू 1 क्यों? क्योंकि हम लोग गुना को डिफाइन किए हैं। 5 × 1/5 का डेफिनेशन है 1/5 + 1/5 + 1/5 5 बार। तो 0 से 1 का जो दूरी है इसको हम 5 बराबर हिस्सों में बांटते हैं, तो एक हिस्सा को बोलते हैं 1/5 हिस्सा। तो 1/5 हिस्सा को अगर 5 बार ऐड कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखें, 6 और उसका रेसिप्रोकल नंबर को 1/6 लिखते हैं। ये हम लोग सिंबल तैयार कर रहे हैं कि दो नंबर एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा तो उसको लिखेंगे कैसे। जैसे 6 का रेसिप्रोकल बोलेंगे जब, तो आप लिखेंगे 1/6 और मीन कर रहे होंगे कि 6 × 1/6 का वैल्यू 1 होगा, यही हम लोग मीन कर रहे होंगे। चेक करके देख ले रहे हैं फिर एक बार कि दिस इंटू दिस का वैल्यू 1 हो रहा है या नहीं। क्योंकि 1/6 को हम लोग डिफाइन किए हैं कि 1 यूनिट लेंथ को अगर 6 बराबर हिस्सों में बांट दें तो एक हिस्सा को कहेंगे 1/6 1/6, और 6 × 1/6 का मतलब डिसाइड हुआ है मल्टीप्लीकेशन का डेफिनेशन, दिस प्लस दिस 6 बार। तो जोड़ करके देखें, इतना प्लस इतना 6 बार 1 मिलना चाहिए। अगर मिलता है तब फिर हम लोग कन्विंस्ड हैं कि कोई भी नंबर हम दें 5 और हम कहें कि 52 और इसका रेसिप्रोकल नंबर कहें कि लिखिए, तो आप लिखेंगे ऐसे, या 52 to the power -1। दो सिंबल हम लोग बनाए हैं रेसिप्रोकल को लिखने के लिए, और हम लोग समझेंगे this × this = 1, यही समझेंगे। अगर हम 1/52 लिख दें और हम कहें कि इसका रेसिप्रोकल बताइए, तो उसको 1/1/52 लिखेंगे, विच मीन्स 52, यानी रेसिप्रोकल ऑफ 52 विल बी इक्वल टू, पूछें कितना, तो आप बोलेंगे 52। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग डिफाइन किए कि दो नंबर को एक दूसरे का रेसिप्रोकल बोलते हैं तब जब दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर हो। तो हम रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर पूछें तो आप ये बोलेंगे, एंड रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर पूछें तो आप ये बोलेंगे, ये डिसाइड हो गया है। इसीलिए आप अभी यहां पे क्या लिखा है, तो रेसिप्रोकल ऑफ सम नंबर, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, रेसिप्रोकल ऑफ 52। तो रेसिप्रोकल ऑफ 52 इज इक्वल टू 52। नंबर लाइन पे जरा देखिए, यानी हम एक फंक्शन बना रहे हैं, इसका सिंबल रहेगा 1/x या x^-1। यह है रेसिप्रोकल फंक्शन का सिंबल। कैलकुलेटर में जिस बटन के ऊपर लिखा हो ऐसा, आप समझ जाएंगे कि यह फंक्शन क्या डालने पर क्या रिटर्न करता है। यानी आप अगर किसी नंबर का रेसिप्रोकल चाहिए से 5 का, तो आप 5 पंच करते हैं कैलकुलेटर के स्क्रीन पे, और जैसे ही इस बटन को दबाते हैं वो आपको इस नंबर का रेसिप्रोकल नंबर रिटर्न करता है। स्क्रीन पे 1/5 लिखा हुआ नहीं आता है, स्क्रीन पे ये नंबर डेसिमल के फॉर्म में लिखा हुआ आता है। अगर आप इसी फैक्ट्री में 0.2 पंच किए होते कैलकुलेटर के स्क्रीन पे,
और तब इस फैक्ट्री का बटन दबाते तो ये अब इस नंबर का रेसिप्रोकल रिटर्न करता, 5 आपको रिटर्न करता। जैसे स्क्वायर फैक्ट्री के बटन के ऊपर ऐसा लिखा होता है, आप इसमें x के जगह 5 डालते, आपको पता होता कि आप चाहते क्या है तभी डाल रहे हैं। अगर आप 5.2 टाइप करके और ये बटन दबाते हैं तो एक्चुअली आपको 5.2 इंटू 5.2 का वैल्यू जरूरत होगा, तभी आप ये वाला बटन दबा रहे हैं। अगर आपको 5.2 इंटू 5.2 इंटू 5.2 का वैल्यू चाहिए होता तो आप ये बटन नहीं दबाते, तब कोई और बटन होता, फंक्शंस का बटन बोलते हैं इनको, जिसके ऊपर लिखा होता है इस तरह का सिंबल जिसको पढ़ते हैं हम सब क्यूब ऑफ एक्स। तो अगर आप, तब आप इस बटन को दबाते, 5.2 टाइप करते कैलकुलेटर पे और क्यूब बटन को दबाते। हम लोग तो कॉपी में केवल ऐसे करके एक नंबर लिखेंगे, हम लोग सबको समझ जाएंगे कि ये क्या लिखा है, एक रियल नंबर है ये। 5.2 × 5.2 × 5.2 करने पर जो नंबर आएगा वही लिखा है, कितना आएगा वो इम्पोर्टेंट नहीं। उसी तरह से अब भविष्य में हम अगर कभी 1/7.2 लिखें, यानी इस रेसिप्रोकल फैक्ट्री में आप 7.2 डाल के बटन दबाएंगे तो ये जो नंबर रिटर्न करेगा उसी को लिखते हैं इस तरह से, उसका वैल्यू कितना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये भाषा इम्पोर्टेंट है कि अगर 1/7.2 लिखा हुआ कभी देखें हम सवाल बनाते वक्त फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में या केमिस्ट्री में, तो ये क्या लिखे हैं, हम एक रियल नंबर लिखे हैं, इसी नंबर लाइन पे है ये जानवर, ये कैसा रियल नंबर है जिसको 7.2 से गुना करते तो उसका वैल्यू 1 आएगा, ये समझना है। यानी आप 1/5 का वैल्यू जल्दी से डेसिमल में कन्वर्ट करके 0.2 लिख दे सकते हैं, हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हैं इसमें। आप इस भाषा को समझ पाए कि नहीं, कि हम जब कभी लिखेंगे 1/5 तो हम एक रियल नंबर लिख रहे हैं जो 5 का रेसिप्रोकल है। ये यानी 5 से अगर हम इस नंबर को, जिसका वैल्यू जो भी है आई डोंट नो, गुना करेंगे तो 1 आना चाहिए। तो रेसिप्रोकल फंक्शन का सिंबल रहेगा ये। जरा देखें कि रेसिप्रोकल फंक्शन अभी भी ठीक से हम लोग समझे हैं कि नहीं। इस फैक्ट्री में कौन कौन रियल नंबर्स हम लेके घुस सकते हैं, वो है फंक्शन का डोमेन ऑफ डेफिनेशन। जब भी फंक्शन डिफाइन करते हैं तो पहले डिफाइन करना पड़ता है कौन कौन रियल नंबर्स के लिए हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। जब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिफाइन कर रहे थे तो डिसाइड कर लिया था शुरू में कि सिर्फ 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी यानी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए ही हम लोग इस फंक्शन को डिफाइन किए थे। तभी तो स्क्वायर रूट ऑफ -3 ऐसा स्टेटमेंट अगर कोई देता है तो हम उसको बताएंगे कि ये स्टेटमेंट मीनिंगलेस है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ सिर्फ नॉन नेगेटिव नंबर्स बोल सकते हैं आप। तो हमको ये बताना होगा कि ये फंक्शन को हम कौन कौन रियल नंबर्स के लिए डिफाइन कर रहे हैं, यानी किन किन रियल नंबर्स का रेसिप्रोकल निकालना संभव है, निकाल के देखते हैं। देखिए हम इस रियल नंबर लाइन पे 2 पॉइंटर दिखा रहे हैं, एक पॉइंटर का नाम है x और एक पॉइंटर का नाम है एक्स स्क्वायर। हम इस पॉइंटर को मूव करेंगे, ये मेरा इंडिपेंडेंट पॉइंटर बोलेंगे इसको, और ये पॉइंटर को डिपेंडेंट पॉइंटर बोलेंगे। यानी हम इस पॉइंटर का पोजीशन जब आपको बताएंगे तो उस पर डिपेंड करता हुआ आप इस पॉइंटर को पोजीशन करेंगे। जैसे इनपुट को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आउटपुट को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये डिपेंडेंट पॉइंटर है। हम जैसे इस पॉइंटर को घसका करके अगर 1 पे रखेंगे तो आप तुरंत इस पॉइंटर को घसका के यहाँ रखेंगे, यानी आप 1 का स्क्वायर किए और जो भी वैल्यू आया वहीं पे पॉइंटर को पॉइंट करेंगे। अगर हम इस पॉइंटर को 2 पे रखेंगे तो आप इस पॉइंटर को 4 पे ले जाके रख देंगे, 3 पे रखेंगे तो 9 पे, 4 पे रखेंगे तो 16 पे रखेंगे। अगर हम हाफ पे रखेंगे तो हाफ का स्क्वायर
इज 1/4 यहाँ रखेंगे, अगर हम 1/3 पे रखेंगे तो 1/3 का स्क्वायर और छोटा नंबर है 1/9 यहाँ रखेंगे, 1/4 पे रखेंगे हम जीरो के निकट ले जा रहे हैं इंडिपेंडेंट पॉइंटर को। आप अपना जानिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं एक्स स्क्वायर फंक्शन, समझ में आ रहा होगा तभी आप पॉइंटर को घसका पाएंगे। अगर हम पॉइंटर का नाम बदल दें मॉड ऑफ एक्स, फिर वही हम खेल खेलते हैं, हम अपने इंडिपेंडेंट पॉइंटर को घसकाएंगे। और आप अगर कहते हैं कि हम मॉड फंक्शन को समझ चुके हैं तो आप अपने डिपेंडेंट पॉइंटर को प्रॉपर जगह पे पोजीशन करेंगे। हम जैसे ही जीरो पे रखेंगे आप जीरो पे रख देंगे, -1 पे रखेंगे आप 1 पे रख देंगे, -2 पे रखेंगे आप 2 पे रख देंगे, हम 5 पे रखेंगे आप 5 पे रख देंगे। तो अब देखें कि हम लोग रेसिप्रोकल फंक्शन को समझे हैं कि नहीं। जो हम लोग अभी सीख रहे हैं आज के क्लास में, जिस फंक्शन को सीख रहे हैं उसका नाम है रेसिप्रोकल फंक्शन, और लिखते ऐसे हैं, पढ़ते हैं इस नंबर को रेसिप्रोकल ऑफ एक्स। जैसे इसको पढ़ने के लिए बोले पढ़िए ता बोलिएगा एक्स, और इसको तो हम लोग बोलेंगे 1/x अलाउड है, लेकिन जो सोफिस्टिकेटेड नाम है इसका वो है रेसिप्रोकल ऑफ एक्स। तो देखें कि आप रेसिप्रोकल फंक्शन को समझे हैं कि नहीं। हम एक्स को 1 पे रखेंगे तो आप अपने इस पॉइंटर को भी 1 पे रखिएगा, यानी 1 का रेसिप्रोकल 1 है। हम पॉइंटर को 2 पे ले जाएंगे तो आप रेसिप्रोकल को 1/2 पे लाइएगा, ये मेरा x और ये सिंबल 1/x, या x^-1 भी लिख सकते हैं। तो हम जब इस पॉइंटर को 2 पे ले जाएंगे, यानी इस फैक्ट्री में हम नंबर्स डालना शुरू किए, -∞ से +∞ डालेंगे, नेगेटिव नंबर्स भी डालेंगे। अभी हम 1 डाले थे तो आपको पता था उसका रेसिप्रोकल 1 होता है, तो आप यहां रखें। अब हम 1 से बड़ा नंबर डाले 2, लेकिन फंक्शन का वैल्यू अब पहले से छोटा आ गया हाफ, x का वैल्यू बड़ा कर दिए 3, आउटपुट और छोटा हो गया 1/3। यानी आप इनपुट को x कहें और आउटपुट को y कहें तो जोड़ा जोड़ा में देखें कुछ नंबर्स लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वही जो कलेक्शन बनाएंगे ना हम जोड़ा जोड़ा में, इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट, वही सेट कहलाता है द फंक्शन। तो हम अगर कहें कि रेसिप्रोकल फंक्शन का जरा सेट रिप्रेजेंटेशन हमको दीजिए, फिर कहेंगे कि रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ बना के बताइए, तो रेसिप्रोकल फंक्शन का सेट बताना मतलब जोड़ा जोड़ा में नंबर बताना। जैसे हम 1,1 लिखे, पहला नंबर हम इंडिपेंडेंटली चुन रहे हैं जो मन सो, लेकिन दूसरा नंबर डिपेंडेंट है पहले नंबर के चॉइस पे। तो पहला नंबर 2, 1 के बाद सीधे 2 ले लिए, नहीं 1 और 2 के बीच में भी अनगिनत नंबर्स है, हम पॉइंटर को कॉन्टिन्यूसली घसकाएंगे कूद कूद के नहीं। अभी हम फ्यू एग्जाम्पल्स देख रहे हैं कि हम इनपुट को बड़ा कर दिए आउटपुट छोटा हो गया, इनपुट को और बड़ा किए आउटपुट और छोटा हो गया। हम ग्राफ भी बना सकते हैं। अब जब इन सब बातों को समझ रहे हैं, इधर हम रेसिप्रोकल फंक्शन के वैल्यूज को प्लॉट कर रहे हैं, यानी वाई लिखे हैं जहां, यहां हम मीन कर रहे हैं वाई इक्वल्स 1/x, इस पे नंबर्स लिखा होता है 1, 2, 3, 4, हम ढेर सारा वर्टिकल लाइन कल्पना कर रहे हैं कि यहां बना हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2। अब x इक्वल टू 1 पे फंक्शन का वैल्यू इस पूरे लाइन पे एक यूनिक डॉट हम लोग को ढूंढना है, जो कि उस फंक्शन का वैल्यू होगा फॉर x इक्वल टू 1। फिर x इक्वल टू 2 लाइन पे एक डॉट हाफ हाइट पे, x जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे फंक्शन का वैल्यू छोटा और छोटा और छोटा होगा, लेकिन पॉजिटिव है इसीलिए डॉट्स ऊपर ही होगा x एक्सिस। नेगेटिव वैल्यूज होता तो अगर हम -1 पे फंक्शन का वैल्यू पूछें x इक्वल टू -1,
तो माइनस वन का रेसिप्रोकल माइनस वन है, माइनस टू का रेसिप्रोकल वन बटे माइनस टू है, जिसको कि हम माइनस वन बटे टू भी लिख सकते हैं, या माइनस बाहर में एक बटे दो लिख सकते हैं, या वन बटे माइनस टू लिख सकते हैं, या माइनस इतने तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। एक ही रियल नंबर है जिसको तीन तरीके से लिख रहे हैं। और ये रियल नंबर कौन है? तो ओरिजिन से हाफ यूनिट्स लेफ्ट नेगेटिव डायरेक्शन में, तो यहां है। तो हम अगर माइनस टू पे रखेंगे अपना पॉइंटर एक्स, तो आप उसका रेसिप्रोकल यहां है। जब माइनस थ्री पे रखेंगे तो उसका रेसिप्रोकल माइनस वन बटे थ्री यहां है। माइनस फोर पे रखेंगे तो रेसिप्रोकल माइनस एक बटे चार, यानी नेगेटिव नंबर्स का रेसिप्रोकल नेगेटिव नंबर्स है। तब ना माइनस पांच का रेसिप्रोकल माइनस एक बटे पांच क्यों है? ताकि गुना करेंगे तो वन तभी ना आएगा जब माइनस और माइनस गुना करके उसको प्लस लिखेंगे, अब पांच गुने एक बटे पांच को एक लिखेंगे। तो नेगेटिव नंबर्स का रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नंबर्स का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। जैसे जैसे हम x का वैल्यू बड़ा करेंगे, 4 का रेसिप्रोकल 1 बटे 4। x इस रिलेशन को हम अगर ऐसे लिखें, उसी रिलेशन को, तो शायद समझने में आसान हो कि ये जितना भी डॉट्स हम खोज रहे हैं, जैसे एक डॉट है ये, तो इसका x कोऑर्डिनेट है 2 और y कोऑर्डिनेट हाफ, इसका x कोऑर्डिनेट 3, यहाँ एक डॉट है, और y कोऑर्डिनेट 1/3। तो जितना भी डॉट्स हम पूरे एक्स वाई प्लेन में ढूंढ रहे हैं उनको ज्वाइन करेंगे तो ग्राफ बनेगा। वो सारा डॉट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में ये संबंध है, ये संबंध है कि ये संबंध है, दोनों एक ही बात है। यहां लिखे हैं द वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 1/ एक्स कोऑर्डिनेट, और यहां लिखे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ द टू कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू 1। एक ही बात को दो तरीका से लिखे। तो हम सारा डॉट्स लोकेट करते जा रहे हैं, x इंटू वाई का वैल्यू चूंकि कांस्टेंट रहना है, तो जब x का वैल्यू को बड़ा करते हैं तब y के वैल्यू को छोटा करना पड़ता है, ताकि दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1 रहना चाहिए, छोटा हो रहा है। जैसे जैसे x के वैल्यू को लार्ज और लार्ज, 50 का रेसिप्रोकल बनाना है, यहाँ x इक्वल टू 50 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/50, ग्राफ का हाइट एकदम छोटा सा, जो हाइट है वही फंक्शन का वैल्यूज है। तो ये ग्राफ धीरे 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 नीचे और नीचे और नीचे होता जाएगा, फंक्शन का वैल्यूज छोटा और छोटा और छोटा होता जाएगा, जैसे जैसे एक्स के वैल्यूज को बड़ा करते जाएंगे। और जैसे जैसे हम अब निकट जाएंगे, एक्स इक्वल टू हाफ पे हम रखेंगे कर्सर, तो उसका रेसिप्रोकल पॉइंटर को आप 2 पे रखेंगे, x इक्वल टू 1/3 पे रखेंगे हम, 0 के निकट जा रहे हैं, 0 के निकट x इक्वल टू हाफ लाइन पे, तो उसमें डॉट ऊपर चला गया ग्राफ, x इक्वल टू 1/3 पे फंक्शन का वैल्यू 3 हो जाएगा यहाँ। यानी जैसे जैसे आप 0 के निकट जाएंगे फंक्शन का वैल्यू बढ़ता जाएगा, इस तरह से x इक्वल टू 1/100 लाइन एकदम ओरिजिन के निकट सटा हुआ होगा, कुछ दूर होगा लेकिन बहुत निकट होगा, वहां से दिखा भी नहीं पाएंगे, दिख भी नहीं पाएगा, इतना निकट होगा वो लाइन। उस लाइन पे जो हम फंक्शन का वैल्यू प्लॉट करेंगे तो 1/100 का रेसिप्रोकल 100 होगा, बहुत बड़ा वैल्यू होगा फंक्शन का, डॉट बड़ी ऊपर होगा। फिर हम और निकट ले जाएंगे वर्टिकल लाइन को, x इक्वल टू 1/1000, तो फंक्शन का वैल्यू 1000। यानी जैसे जैसे आप 0 के निकट जाइएगा फंक्शन का वैल्यू बढ़ता जाएगा, चित्र में दिखेगा आपको, ग्राफ ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा होता जाएगा, और जैसे जैसे 0 से इन्फिनिटी की तरफ जाइएगा ग्राफ गिरता जाएगा गिरता जाएगा, धीरे धीरे ग्राफ का हाइट छोटा और छोटा और छोटा 0 की तरफ अप्रोच करेगा। यानी इस रिलेशन में ऐसा लिखते हैं, एज एक्स अप्रोचेज प्लस इन्फिनिटी, ये भाषा है हमारा, एक्स का वैल्यू जैसे जैसे बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे y का वैल्यू धीरे धीरे छोटा और छोटा और छोटा होता जाएगा। हम ये नहीं लिखे हैं कि 0 हो जाएगा, y का वैल्यू कभी 0 नहीं होगा, आप x के जगह चाहे जितना भी बड़ा नंबर डालना है डाल लीजिए, 100,000 डाल देते हैं। वैसे 100,000 कोई बहुत बड़ा नंबर तो नहीं है, लेकिन 10^5
को 1,00,000 बोलते हैं। 1,00,000 डालिए तो आउटपुट निकलेगा 1/1,00,000, जिसको हम 10^-5 भी लिख सकते हैं और डेसिमल में 0.0001, 4 तब 1, यहाँ डेसिमल डालें। ऐसे लिखते हैं 10^-5 को, ये बड़ा छोटा नंबर है। रेसिप्रोकल ऑफ लार्ज नंबर इज अ स्मॉल नंबर एंड रेसिप्रोकल ऑफ अ स्मॉल नंबर इज अ लार्ज नंबर। अगर हम 10^-5 बहुत निकट नंबर है 0.00001 डाले होते तो ये 10^5 रिटर्न करता। तो स्टेटमेंट को एक बार और बोल दें, रेसिप्रोकल फंक्शन का स्वभाव, लार्ज नंबर का रेसिप्रोकल निकालिएगा तो छोटा नंबर आएगा और छोटे नंबर का रेसिप्रोकल निकालिएगा तो बड़ा नंबर आएगा। तो जैसे जैसे आप x को लार्ज और लार्ज और लार्ज और लार्ज करते जाएंगे 10^20 ये और छोटा नंबर रिटर्न करेगा, 10^-20 0.00001 ये नंबर रिटर्न करेगा। ये नंबर जीरो नहीं है, जीरो के निकट है। यही लिखे हैं कि जैसे जैसे x का वैल्यू को बड़ा और बड़ा और बड़ा करते जाइएगा, y मतलब रेसिप्रोकल ऑफ x, हम अभी y लिख रहे हैं और अलग से बता दिए हैं कि यहां पर हम y का मतलब मीन कर रहे हैं 1/x। जीरो कभी नहीं होगा, अगर किसी भी रियल नंबर का रेसिप्रोकल जीरो संभव ही नहीं है। इसका मतलब कि जीरो का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इस लॉजिक को एक बार और सुन लीजिए, अगर 5 का रेसिप्रोकल आप निकालते हैं और कहते हैं 0.2, तो हम 0.2 का रेसिप्रोकल आपसे पूछेंगे तो आप तुरंत बोल देंगे 5। इस आउटपुट सेट में सारे नंबर है -∞ से +∞ तक सिवाय जीरो के, जीरो है ही नहीं। चेक कीजिए, आप नेगेटिव नंबर्स का रेसिप्रोकल लेके देखिए, तो -4 का रेसिप्रोकल ले हम x=, यहां भी हम -1, -2, -3, -4 कुछ वर्टिकल लाइंस बना दिए। x=-1 का रेसिप्रोकल -1, x=-2 का रेसिप्रोकल -1/2 यहां है, x=-3 पे एक डॉट बनाना है -1/3 वाई कोऑर्डिनेट, यानी 1/3 यूनिट्स नीचे। इस लाइन पे एक डॉट बनाना है -1/4 यानी 1/4 यूनिट्स नीचे। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। जैसे जैसे आप निकट जाएंगे जीरो के, यानी -0.01 एक नंबर है, नेगेटिव नंबर है लेकिन जीरो के बहुत निकट है, ये -1/100 लिखा हुआ है, और इस नंबर का रेसिप्रोकल पूछें तो -100 बोलेंगे इसका रेसिप्रोकल। यानी इस वर्टिकल लाइन पे जो जीरो के बहुत निकट है उस पे जो डॉट बनेगा 100 यूनिट्स नीचे बनेगा। तो नेगेटिव नंबर्स का रेसिप्रोकल भी नेगेटिव नंबर्स आएगा, पॉजिटिव नंबर्स का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव नंबर आएगा, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब है जीरो का रेसिप्रोकल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी हम ये साबित किए अपने लॉजिक से कि जिस किसी फंक्शन को हम कह रहे हैं रेसिप्रोकल, ये फंक्शन डिफाइंड है फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। सो द रेसिप्रोकल फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। अब कभी भविष्य में हम आपसे जीरो का रेसिप्रोकल नहीं पूछ सकते हैं या इस तरह का नंबर नहीं लिख सकते, इसका वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यहां से वहां तक x=-∞ से x=+∞ तक हम वर्टिकल लाइंस बनाए हैं, हर वर्टिकल लाइन पे डॉट बनाए हैं सिवाय एक लाइन के, वो है x=0 लाइन। इस लाइन पे देयर इज नो डॉट। ये जो कर्व है ये हर वर्टिकल लाइन को क्रॉस करता हुआ गुजरा है, लेकिन x=0 को ये हम नीचे और नीचे और नीचे और नीचे करते जाएंगे, धीरे धीरे हम y एक्सिस से सटाते जाएंगे पर कभी नहीं सटाएंगे। इस वर्टिकल लाइन पे देयर इज नो डॉट।
हमको अचानक से कलम उठा के अब फिर से ग्राफ को बनाना पड़ रहा है, उसके राइट हैंड साइड चाहे जितना भी निकट वर्टिकल लाइन ले लीजिए, एक्स इक्वल टू 0.0000001 ये एक वर्टिकल लाइन है, एक्स इक्वल टू 0 के जस्ट राइट हैंड साइड उस पर भी आपको एक डॉट होगा, फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका वैल्यू को हम प्लॉट कर सकते हैं। तो सिवाय x इक्वल टू 0 के हम सभी रियल नंबर्स के लिए इस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। रेसिप्रोकल ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट, स्क्वायर रूट ऑफ -3 डज नॉट एग्जिस्ट। रेसिप्रोकल फंक्शन का स्वभाव देख लीजिए, ये लगातार डिक्रीज करता है, जैसे जैसे आप x का वैल्यूज को बड़ा करते जाते हैं ग्राफ जो y कोऑर्डिनेट्स है वो नीचे आता जाता है, ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, एक डिसकंटिन्यूटी है, आपको कलम उठा करके फिर से ग्राफ बनाना पड़ता है, दो टुकड़ों में ग्राफ बनता है, लेकिन दोनों टुकड़ों को अलग अलग देखिए तो दोनों का स्वभाव डिक्रीजिंग स्वभाव का है। ये भी अपना माइनस इंफिनिटी से जीरो के बीच में ये लगातार डिक्रीज कर रहा है और वो भी लगातार डिक्रीज कर रहा है, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये हम जान गए। यानी हम अगर दो नंबर इसके डोमेन में से लें, इस फंक्शन का डोमेन तो हम जान ही गए, जीरो छोड़ के हर नंबर के लिए ये डिफाइन है, डोमेन को इस तरह से दिखा दिए। अब कोई भी नंबर हम x1 करके एक नंबर लेते हैं और x2 करके एक नंबर, दोनों पॉजिटिव नंबर्स, तो x1 का रेसिप्रोकल ये रिटर्न करेगा 1/x1 और x2 का रेसिप्रोकल रिटर्न करेगा 1/x2। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर x2 एक नंबर है जो x1 से बड़ा है तो बताइए कि 1/x2 और 1/x1 में कौन बड़ा होगा। हमेशा पूछेंगे कि x2 और x1 दो नंबर है, किसी फंक्शन के डोमेन में से लिया गया है, डोमेन में से x1 और x2, अगर x2 बड़ा है x1 से तो f of x2 और f of x1 में कौन नंबर बड़ा होगा, ये तभी बता पाएंगे आप जब उस फंक्शन का स्वभाव जानते हो कि वो डिक्रीजिंग स्वभाव का है कि इंक्रीजिंग स्वभाव का है। तो चूंकि आपको पता है कि फॉर ऑल द एंटायर पॉजिटिव साइड आपको पता है कि ये डिक्रीजिंग स्वभाव का है, तो इनइक्वालिटी को पलट दीजिए, अगर आप दोनों तरफ कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर लगाते हैं जो डिक्रीजिंग स्वभाव का है, यानी बड़ा नंबर डालने से छोटा रिटर्न करता है, तो पलटिए, और अगर पता है कि इंक्रीजिंग स्वभाव का है तो इनइक्वालिटी साइन जस्ट के तस रखिए। अगर इफ एफ इज इंक्रीजिंग एंड इफ एफ इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, तो चूंकि रेसिप्रोकल फंक्शन एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, पॉजिटिव हाफ में तो हम जानते हैं पक्का, और आप दो पॉजिटिव नंबर बोले की है तो हम तुरंत इनइक्वालिटी पलट देंगे, और अगर दोनों नेगेटिव नंबर्स होता, अगर आप दो नेगेटिव नंबर लिए होते x2 x1, फिर वही x2 बड़ा है x1 से, उधर जो नंबर होता है बड़ा, फिर यही सवाल पूछे होते कि अगर x2 बड़ा है x1 से तो 1/x2 और 1/x1 में कौन बड़ा हो, दोनों नेगेटिव नंबर है ये हम दे दिए हैं, वेयर x1 कॉमा x2 आर बोथ नेगेटिव नंबर्स, ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, वेयर x1 कॉमा x2 आर बोथ पॉजिटिव नंबर्स, तो बताइए अब बताइए, तो नेगेटिव साइड में देखना होगा, तो नेगेटिव साइड में भी ये फंक्शन का स्वभाव डिक्रीजिंग, तो वहां भी इनइक्वालिटी साइन पलट देंगे, एक हम उधर नंबर दे दें एक इधर, हम एक नंबर ले लें पॉजिटिव कोई x, इधर ले लें x2 और एक इधर ले लें x1, अब x2 बड़ा है x1 से, यहां पे है x2, यहां है x1, अब पूछें कि 1/x2 और 1/x1 में कौन बड़ा होगा, इफ x2 इज अ नंबर पॉजिटिव एंड x1 इज अ नेगेटिव नंबर, अब बताइए, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, x2 पे जो का जो रेसिप्रोकल लीजिएगा वो पॉजिटिव नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल नेगेटिव, अब आप पूछ रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव में कौन बड़ा होगा, विदाउट डाउट ये बड़ा होगा। और क्या क्या नोटिसेबल बात है इस फंक्शन के बारे में, ये एक ऑड फंक्शन है, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स 1/-, अगर लेट इस फंक्शन को हम एक नाम से संबोधित कर दें एफ ऑफ एक्स, देन
ऐसे ही हम लोग चेक करते हैं कि कोई गिवन फंक्शन इवन है कि ऑड है कि नाइदर है. तो f ऑफ माइनस x का वैल्यू निकल गया विच इज माइनस ऑफ f ऑफ x. इसे साबित हुआ कि मेरा ये वाला फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, यानी उसका x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू इन्फिनिटी के बीच में अगर हम ग्राफ बना लें इस फंक्शन का, जो बना सकते हैं तुरंत, तो उसका नेगेटिव वैल्यूज पे नेगेटिव हाफ में जो ग्राफ होगा, इसका मिरर इमेज ले लें y एक्सिस में, अगर इवन फंक्शन होता तो ग्राफ ऐसा ही दिखता. अब इसका हम और ये होगा द कंप्लीट ग्राफ ऑफ द रेसिप्रोकल फंक्शन. इस ग्राफ में एक और खास बात देखने लायक है. इस ग्राफ पे एक पॉइंट है 2.5, यानी x इक्वल टू 2 पे ग्राफ का हाइट है हाफ यूनिट्स, और एक पॉइंट है 0.5, 2. हम लोग ये बात समझ चुके थे, क्योंकि दोनों नंबर एक दूसरे का रेसिप्रोकल कहलाता है. तो इस ग्राफ पे अगर कोई पॉइंट होगा अल्फा कॉमा बीटा, एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा वाई कोऑर्डिनेट बीटा, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा, तभी वो पॉइंट इस ग्राफ पे होगा, नहीं तो नहीं होगा. तो अगर अल्फा गुने बीटा का वैल्यू 1 है, तब निश्चित रूप से बीटा गुने अल्फा का वैल्यू भी 1 होगा, क्योंकि प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है. 2 × 3 का वैल्यू 6 अगर है, तो 3 × 2 का वैल्यू भी 6 होगा. तो अल्फा गुने बीटा अगर 1 है, तो बीटा गुने अल्फा भी 1 होगा. यानी अगर इस ग्राफ पे एक पॉइंट है 2.1/2 अल्फा कॉमा बीटा, तो निश्चित रूप से इस ग्राफ पे एक पॉइंट होगा बीटा कॉमा अल्फा, पलट दीजिए, यानी 0.5/2. हम लोग पढ़ेंगे जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइंस पहला चैप्टर है वो, तो उसमें हम लोग सीखेंगे अगर हम यहां से एक लाइन बनाएं वाई बराबर एक्स लाइन, तो हम साबित करेंगे कि ये दोनों पॉइंट इस लाइन में एक दूसरे का मिरर इमेज होता है. सो अभी हम एक इंपॉर्टेंट बात नोटिस करा रहे हैं अबाउट द रेसिप्रोकल फंक्शन, कि उसका जो ग्राफ है ऑड फंक्शन है. सो तो बता दिए, ये जो लाइन बनाएंगे ना वाई बराबर एक्स लाइन, ये पूरा ग्राफ इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, यानी ये पोर्शन ही पूरा ग्राफ का और ये पोर्शन एक दूसरे का मिरर इमेज है. यानी यहां पे जो 2.5 पॉइंट लेंगे और 0.5/2, हम साबित कर सकते हैं कि इन दोनों को अगर एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें तो वो लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा और ये दोनों पॉइंट इस लाइन से बराबर दूरी पर होगा. ऐसा साबित करेंगे जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब. यानी हम ये साबित करेंगे कि अगर इसको ऑब्जेक्ट पॉइंट कहा जाए तो इसका इमेज पॉइंट ये है, एंड वाइस वर्सा. उसको ऑब्जेक्ट पॉइंट कहें तो इसको, यानी एवरी पॉइंट ऑन दिस ग्राफ का एक मिरर इमेज पॉइंट उस टुकड़े पे है, यानी कि दिस पोर्शन ऑफ द ग्राफ एंड दिस पोर्शन ऑफ द ग्राफ दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन द लाइन वाई बराबर एक्स. यही इस टुकड़े के बाद में, यानी कि हम ये कहेंगे कि पूरा का पूरा जो ग्राफ है वो ये पोर्शन का मिरर इमेज है, ये पोर्शन और इन दोनों का मिरर इमेज वो है. सो द ग्राफ ऑफ द रेसिप्रोकल फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन वाई बराबर एक्स. दैट इज ऑल अबाउट द रेसिप्रोकल फंक्शन. जरा कुछ छोटा छोटा सवाल देखें हम लोग बना पाते हैं कि नहीं. हम एक फंक्शन लिखे हैं 1/(x-2). क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन बताइए. एक कंपोजिट फंक्शन है, रेसिप्रोकल ऑफ x नहीं लिखा, रेसिप्रोकल ऑफ x-2, यानी कि फंक्शन ऑफ अ फंक्शन है. आप जब इस फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये है फ्लो चार्ट. आपका इनपुट पहले एक लीनियर फंक्शन के फैक्ट्री में घुसता है और यहां से जो नंबर रिटर्न होता है वो रेसिप्रोकल फंक्शन के फैक्ट्री में घुसता है. तो ये फंक्शन को पढ़ते भी कैसे हैं, देखिए, रेसिप्रोकल ऑफ अ लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स. अगर हम ऐसा लिखें 1/(x²-1), तो ये भी कॉम्पोजिट फंक्शन है. क्या लिखा है, रेसिप्रोकल ऑफ मॉड ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ एक्स. यानी इसका फ्लो चार्ट बनाइएगा तो
आपका इनपुट पहले एक्स स्क्वायर माइनस वन एक क्वाड्रेटिक फैक्ट्री में घुसेगा और उसके बाद वो जो आउटपुट निकलेगा वो मॉड फैक्ट्री में घुसेगा और फिर फाइनली एक रेसिप्रोकल फैक्ट्री में घुस के तब आंसर निकलेगा। तो हम अगर इस फंक्शन का नाम जी ऑफ एक्स लिखें, ये है जी ऑफ एक्स का फ्लो चार्ट। इस फैक्ट्री में एक्स डालिएगा तो जो निकलेगा वही ये निकलेगा, इस फैक्ट्री में एक्स डालिएगा तो ये निकलेगा। हम पूछे हैं डोमेन बताइए, तो आप फिर से सब जर्नी अपना याद कर लीजिए। आपका जो नंबर को घुसना है कई फैक्ट्री से गुजरना है, लीनियर फैक्ट्री से गुजरते वक्त कोई चिंता नहीं है, जो मन सोचे घुसो, क्वाड्रेटिक से गुजरते वक्त कोई चिंता नहीं है क्योंकि ऑल पॉलिनोमियल्स को हम लोग डिफाइन किए हैं फॉर ऑल रियल नंबर्स। कहीं चिंता का बात होगा तब ना हम कुछ सोचेंगे भी। अब जैसे इस फैक्ट्री से निकल के जो नंबर निकलेगा, यहां एक्स माइनस टू निकलेगा, उसको घुसना है इस फैक्ट्री में और इस फैक्ट्री पर लिखा होता है बड़ा बड़ा 1/x वेयर एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, जीरो छोड़ के जिसको मन आ जाए। तो यहां से अगर स्टार नाम का कोई जंतु घुस रहा है तो स्टार को पहले कंफर्म करना होगा कि स्टार जीरो है या नहीं है, अगर है तो गेट आउट। तो इस फैक्ट्री में आप रेसिप्रोकल किसका निकाल रहे हैं, एक्स का नहीं, एक्स माइनस टू का। तो ये फंक्शन डिफाइंड होगा फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स माइनस टू का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी रहे, एक्स माइनस टू शुड नॉट बी जीरो लिखा है इस पे। अगर यही यहां पे रूट फैक्ट्री होता तो रूट फैक्ट्री पे बड़ा बड़ा लिखा होता एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो जो भी उसमें एंटर कर रहा है इनपुट, आप उसके बारे में लिखते कि दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, सॉल्व करते आपको अपने मालूम चल जाता कि अच्छा यहां पे कौन कौन नंबर अलाउड नहीं है। तो आप रेसिप्रोकल यहां एक्स का नहीं निकाल रहे हैं, रेसिप्रोकल अगर एक्स का निकालते तो एक्स को जीरो नहीं होना चाहिए। आप रेसिप्रोकल निकाल रहे हैं हाथी का, तो हाथी शुड नॉट बी जीरो। तो रेसिप्रोकल निकाल रहे हैं एक्स माइनस टू का, तो ये फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर, एक्स के जगह जो मन सो डालिए सिवाय इसके। तो हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लें कि एक्स माइनस टू का वैल्यू जीरो कब होता है, तो एक संख्या मिला। अब इसको छोड़ करके इसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट वन नंबर, टू के लिए डिफाइन नहीं है। एफ ऑफ टू पूछे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि परेशानी क्या होगा। पहले आप टू में माइनस टू जोड़ेंगे, उस नंबर का रेसिप्रोकल लेंगे, आपको परेशानी दिख जाएगा, कह रहे जीरो के लिए तो डिफाइन ही नहीं हुआ था रेसिप्रोकल। अगर हम टू के अलावा कोई भी नंबर दें 3.5, तो 3.5 में माइनस टू एड करेंगे 1.5 और 1/1.5 फाइनल आंसर है। इसको सुंदर बनाने के लिए हम ऊपर नीचे 10 से गुना करेंगे। हमेशा मैथमेटिशियन को रैशनल रिप्रेजेंटेशन पसंद है, इंटीजर बटे इंटीजर। अब अगर कुछ कॉमन प्राइम फैक्टर्स है तो उसको जरूर से कैंसिल आउट करना चाहिए। इसको हम काट के 2/3 आंसर लिखेंगे। अब इस फंक्शन का हमको डोमेन ऑफ डेफिनेशन चाहिए। तो अगर आप सब बात समझ गए हैं, आप x डालेंगे तो पहले क्वाड्रेटिक में घुसेंगे, क्वाड्रेटिक को कोई दिक्कत नहीं है, जिसको मन आ जाइए, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर। वहां से जो नंबर निकलेगा उसको आप मॉड फैक्ट्री में लेके जाएंगे, मॉड को भी कोई दिक्कत नहीं है, इट इज फ्री, कोई गेट पास नहीं चाहिए। लेकिन अंत में उस नंबर का आपको रेसिप्रोकल निकालना है। हाँ, अब रेसिप्रोकल निकालना है इसका, तो अब वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। आप इसको इक्वल टू जीरो लिख करके सॉल्व करके एक्स का वैल्यू ढूंढ लें, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो क्वाड्रेटिक। और हम बता दिए एक्स का वैल्यू माइनस वन और प्लस वन, दो वैल्यूज आया, यानी ये फंक्शन डिफाइंड है फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट प्लस वन एंड माइनस वन। एक और फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं 1/mod of x square minus 1
माइनस टू, इसका डोमेन निकालना है, ये जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी तो मॉड फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन सबको तो देखना भी नहीं है, दे आर डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। यहां रेसिप्रोकल ऑफ कुछ निकाल रहे हैं, अगर हम न्यूमरेटर में कुछ 2x प्लस 3 लिख दें, ये फंक्शन है, यानी दिस मीन्स 2x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ, लिखते ऐसे हैं 5/7 लिखते हैं, लेकिन मतलब होता है ये, वो हम लोग संक्षेप में वैसे लिखते हैं। नेवर फॉरगेट दिस कि दिस फंक्शन मीन्स 2x प्लस 3 गुने इतना। अब आप डोमेन बताइए इस फंक्शन का, आप कोई भी x का वैल्यू दें, f ऑफ 5 का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, तो आप पहले इसमें 5 डाल के एक नंबर लाएंगे, फिर इसमें 5 डाल के एक नंबर निकालेंगे, उसका मॉड लेंगे, फिर माइनस 2 जोड़ेंगे, फिर उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, तब इससे गुना करेंगे। तो परेशानी सिर्फ एक जगह होने वाला है, बाकी किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस में कहीं परेशानी नहीं है, सिवाय उस स्थान के जहां पे आप रेसिप्रोकल निकालने चले होंगे। तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, दैट्स ऑल। डिनोमिनेटर वाला जो भी एक्सप्रेशन है वो कभी भी जीरो अगर हुआ तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो पता कर लेते हैं कब कब जीरो होगा। हम एक इक्वेशन लिखेंगे, इतना माइनस टू बराबर जीरो सॉल्व कर रहे हैं, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर प्लस माइनस टू, अर्थात एक्स बराबर वन माइनस टू या वन प्लस थ्री। अब एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वन एक इक्वेशन, उसका कोई सोल्यूशन नहीं, स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस वन का कोई सोल्यूशन नहीं। और दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स बराबर थ्री, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट थ्री, यानी ये फंक्शन का डोमेन ऑफ डेफिनेशन है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट प्लस माइनस रूट थ्री। यू ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, इस फंक्शन का डोमेन ऑफ डेफिनेशन चाहिए। हम अगर ऊपर वाले को फैक्टराइज करके एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस फाइव लिख दें, और नीचे वाले को फैक्टराइज करके एक्स माइनस वन बटे एक्स माइनस टू लिख दें, और सोचें कि इसको कैंसिल आउट करके कह दें कि दिस फंक्शन इज सेम एज दिस फंक्शन, यहां इस फंक्शन को हम एक नाम दे दिए वी ऑफ एक्स। अब ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम है कि डिफरेंट है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो देखिए, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि दोनों फंक्शन सेम नहीं है। ये फंक्शन का डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या है, कौन कौन रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, और ये फंक्शन का डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या है, चेक करते हैं। हम उस फंक्शन का जब डोमेन ऑफ डेफिनेशन खोज रहे होंगे, तो दिस मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स गुने रेसिप्रोकल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, यही मतलब है इस फंक्शन का। तो इस फंक्शन का जब आप डोमेन ऑफ डेफिनेशन बना रहे होंगे, खोज रहे होंगे, तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि इसका वैल्यू जीरो खाली नहीं हो। तो आप एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो की क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्व करके एक्स का दो वैल्यूज आया, और आप कहेंगे कि इस फंक्शन का डोमेन ऑफ डेफिनेशन है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट टू नंबर्स, एक्स इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू टू, दो नंबर के लिए डिफाइन नहीं है वो। जबकि इस फंक्शन का डोमेन ऑफ डेफिनेशन पूछे तो इसमें सिर्फ डिनोमिनेटर में x माइनस टू है, आप तो x माइनस वन काट दिए, यानी आप निष्कर्ष निकालेंगे कि इस फंक्शन का डोमेन ऑफ डेफिनेशन है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट टू। यू ऑफ फाइव निकालिए या v ऑफ फाइव, सेम आंसर आएगा। यू ऑफ थ्री निकालिए, v ऑफ थ्री, सेम आंसर आएगा। वही यहां थ्री माइनस वन ऊपर नीचे एंड टू टू कैंसिल आउट हो गए, लेकिन u ऑफ वन और v ऑफ वन सेम आंसर नहीं आएगा। v ऑफ वन डिफाइंड है, v ऑफ वन का वैल्यू पूछेंगे तो आप वन माइनस फाइव, वन बटे वन माइनस टू, और आप आंसर लिखेंगे, लेकिन u ऑफ वन डिफाइंड नहीं है। डालिए x के जगह वन तो ऊपर में आ गया जीरो, डिनोमिनेटर में जीरो, विच मीन्स जीरो टाइम्स रेसिप्रोकल ऑफ जीरो।
जीरो से गुणा करने में किसी नंबर को दिक्कत नहीं है, जीरो से किसी भी नंबर को आप गुणा करेंगे जीरो लिखेंगे, दिक्कत है इस नंबर में, ये कोई नंबर है ही नहीं। तो ये फंक्शन से ये फंक्शन तक जब पहुंच रहे थे तो हम बड़ा होशियार समझे अपने आप को कि ऊपर नीचे x माइनस वन को काट देते हैं, क्योंकि हम लोग तो करते ही थे 15/10 लिखा है तो कॉमन प्राइम नंबर्स को काट के इसको 3/2 लिखते ही हैं, तो क्या दिक्कत है काटने में। आप जब कट्टम पुट्टी करते हैं 5a/5b लिखा है, काट के a/b लिखते हैं, λa/λb लिखा है, λ काट के a/b लिखते हैं, तो आज जाके हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण चीज नोटिस किए, ये दोनों नंबर को जब आप काटते हैं तो एक्चुअली λ(1/λ) है जिसका वैल्यू 1 होता है, इसीलिए आप इन दोनों को काट के 1 a/b लिखते हैं और a/b लिख देते हैं। अगर यहाँ 0 और यहाँ 0 लिखा हो तो उसको नहीं काट सकते हैं कि 0 a/0 b लिखा है, काट दिए और a/b लिख दिए, दिस यू कैनॉट डू। तो आज के बाद जब भी हम ऊपर नीचे कैंसिल आउट करेंगे, जैसे यहाँ x-1 और x-1 को कैंसिल आउट कर रहे थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हम मिस कर रहे थे कि हम कैंसिल आउट कर सकते हैं सिवाय एक नंबर के, अगर x के स्थान पे 1 लिख दीजिए तो हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते। सो अगर आप इस फंक्शन का कहें कि ग्राफ बनाइए, तो उस फंक्शन का ग्राफ बनाने नहीं हम बोल रहे हैं, इस फंक्शन का ग्राफ बनाना हम लोग सीखे भी नहीं है और न बनाना सीखना है, लेकिन इतना तो समझ गए कि इसका जब ग्राफ बनाइएगा तो x = -∞ से x = +∞ तक बनेगा, दो लाइन x = 1 और x = 2 पे ये ग्राफ इधर से कुछ बनते हुए इधर रुक जाएगा, फिर इधर से शुरू होकर के इधर रुक जाएगा, और फिर इधर 3 टुकड़ों में बनेगा, ये तो समझ में आना चाहिए हम लोग को, दिस इज नॉट द करेक्ट ग्राफ। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट हम, और जब हम इस फंक्शन का ग्राफ कहेंगे कि बनाइए, तो उसका जब ग्राफ बनाइएगा तो सिर्फ एक वर्टिकल लाइन होगा जहां पे इसका ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा x = 2 पे, जैसे उसका जो सेट बनाइएगा इसका सेट, तो उसमें something, 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 something बनाइएगा, 1, something तो नहीं बनाइएगा ना, ये सेट को नहीं मैंने इंक्लूड कीजिएगा, जबकि इसका सेट बनाइएगा तो उसमें वो सब तो नंबर्स होगा, एक 1, something भी होगा, 1, -4 नंबर होगा। तो ये दोनों फंक्शन को सेम नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे वो क्लियर होना चाहिए। एक भी एलिमेंट इस सेट का उस सेट से अगर मैच नहीं किया तो वी से दैट द फंक्शंस आर नॉट इक्वल। वो फंक्शन बचा हुआ है अलजेब्रा में, एक का नाम है द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, और एक फंक्शन का नाम है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और ये दोनों फंक्शन कल ही समाप्त होगा एक ही साथ, दोनों साथ ही को एग्जिस्ट करता है। So we'll be ending this particular chapter tomorrow.